परी है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज दो बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं। एक तो सीसीटीवी कैमरे, जो आप सब लोग जानते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए पिछले दो ढाई साल से हम लोग कोशिश कर रहे थे। पूरी दिल्ली के अंदर लगभग 1.5 लाख सीसीटीवी कैमरे लगने का प्रपोजल टेंडर सब पास हो चुका है। 70,000 कैमरों का सर्वे हो चुका है कंप्लीट, और अब 8 जून से वो कैमरे लगने चालू हो जाएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर तक ये सारे कैमरे, अभी मैंने मीटिंग ली है सारे ऑफिसर्स की, इसके अलावा 1,40,000 और कैमरे लगने का भी प्रपोजल इसी महीने पास हो जाएगा। तो लगभग 2,80,000 टोटल कैमरे, सीसीटीवी कैमरे पूरी दिल्ली के अंदर लगाए जाएंगे, जिनके लगने का काम 8 जून से चालू हो जाएगा। स्कूलों के अंदर अलग से कैमरे लग रहे हैं, 1.5 लाख कैमरे, सारे सरकारी स्कूलों के अंदर कैमरे लगना शुरू हो चुका है, और नवंबर तक सारे कैमरे लगकर तैयार हो जाएंगे दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों के अंदर। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, एक आम आदमी के घर से जब एक उसकी बेटी या उसकी पत्नी या बहन घर से बाहर निकलती है सुबह नौकरी के लिए या कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए, तो एक परिवार के लोगों का दिल धक धक करता रहता है कि पता नहीं सही सलामत वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित माना गया है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि दिल्ली के अंदर सभी टीटीसी की बसें और क्लस्टर बसें, सभी बसों के अंदर और सभी और मेट्रो के अंदर महिलाओं का सफ़र फ्री किया जाएगा, ताकि महिलाएं उसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकें, जो कि अब ज़्यादा किराए की वजह से महिलाएं इस्तेमाल नहीं कर पाती। जो सब्सिडी दी जा रही है, हम इसमें प्रावधान इस तरह से रखेंगे कि किसी के भी ऊपर सब्सिडी थोपी नहीं जाएगी। कई सारी महिलाएं अफोर्ड कर सकती हैं, जो अफोर्ड कर सकती हैं वो अपना टिकट खरीद के, सब्सिडी उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, बस में भी टिकट खरीद सकती हैं, मेट्रो पे भी टिकट खरीद सकती हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा उनको इनक्रेज करेंगे जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सब्सिडी का इस्तेमाल ना करें, ताकि और दूसरे लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। ऑफिसर्स को मैंने एक हफ्ते का टाइम दिया है, एक हफ्ते के अंदर वो डिटेल्ड प्रपोजल बना के लाएंगे, दोनों डीटीसी भी और मेट्रो भी, कि इसको कैसे लागू किया जा सकेगा और कब से लागू किया जा सकेगा। हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 महीने के अंदर इसको लागू किया जा सके, लेकिन आज हम जनता से उनके सुझाव भी मांगना चाहते हैं कि इसको लागू कैसे किया जाए, इसके ऊपर जनता के सुझाव चाहते हैं। एक ईमेल आईडी अभी मैं दे रहा हूँ, delhiwomensafety@gmail.com, और एक एड्रेस है chairman DDC 33 श्यामनाथ मार्ग Delhi 54। तो या तो चिट्ठी लिख के या ईमेल के जरिए आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे ये दो बड़े कदम आज महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए। अगर आपको कोई सर ईमेल आईडी दोबारा मिल जाए, delhiwomensafety@gmail.com। इसके लिए सेंटर की परमिशन की जरूरत नहीं है, जो भी इसका खर्चा है वो दिल्ली सरकार देगी। वैसे डिटेल्ड खर्चा कितना एग्जैक्टली आएगा
उसका ब्यौरा दोनों से मांगा गया है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे इस साल बचा हुआ 6 महीने बचेंगे, मान लीजिए अगस्त में या सितंबर में लागू होती है, 6-7 महीने बचेंगे, तो दोनों का मिला के 700 से 800 करोड़ का खर्चा उम्मीद है बचे हुए साल के लिए आएगा। 33% मेट्रो में दोनों का डेटा है, 30-33% है जो मेट्रो में भी और बस में भी ट्रैवल करते हैं। एक तो अभी संख्या कितनी है डीटीसी की और क्लस्टर की मिला के, और मार्शल की संख्या कितनी है, कितनी बसों में तैनात हैं? अभी डीटीसी की सारी बसों में मार्शल तैनात हैं, क्लस्टर की बसेस में नहीं है। आज ही मैंने उनको बोला कि क्लस्टर बसेस के अंदर भी मार्शल तुरंत तैनात कर दिए जाएं, और कई सारी महिलाओं को ये पता नहीं होता कि अंदर मार्शल तैनात हैं, तो अंदर पोस्टर्स भी चिपका दिए जाएंगे बसेस के अंदर कि इस बस में मार्शल हैं, अगर किसी को जरूरत है तो आप शोर मचाइए, मार्शल आप तक पहुंचेगा। डीटीसी के लगभग 40 लाख की डेली की कम्यूटरशिप है, उसमें से 30% मान लीजिए, लेकिन यूनिक और कम बताए कि मल्टीपल राइडरशिप हो, एक बसों की संख्या सभी बसों के अंदर कैमरे लगाएंगे। पिछले 4-4.5 साल के अंदर सरकार ने ढेर सारे अच्छे फैसले लिए हैं। 4-4.5 साल के अंदर सरकार ने दिल्ली के लोगों की बिजली सबसे सस्ती कर दी, दिल्ली के लोगों का पानी मुफ्त कर दिया, दिल्ली के लोगों के स्कूल अच्छे कर दिए, अपने दिल्ली के अस्पताल अच्छे कर दिए, मोहल्ला अच्छे कर दिए, तो ये तो वर्क इन प्रोग्रेस।